Welcome back to Shiksha Science Academy. Today we are going to start the topic that we have already started, that is magnetic effect of current. Okay, so let me first discuss that what we have discussed in the previous video of this very chapter. In the previous video of this chapter, we have discussed the relation of the electric current along with the magnetic effect which is being produced through the electric current. Okay, we have also discussed about the Oersted experiment that he accidentally did. Oersted, a scientist, उन्होंने accidentally experiment करके ये बताया that magnetic effect produce होता है with the help of what? The electric current. Electric current के वजह से एक effect पैदा होता है, that is what magnetic effect. उसके बारे में हम लोगों ने वीडियो बनाया था. जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज वॉच आउट माई फर्स्ट वीडियो ऑन दिस वेरी चैप्टर. यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट यू अरेस्टेड एक्सपेरिमेंट ऑन हाउ इट एक्चुअली वर्क्स. एक सो ब्रीफ में हम बताना चाहेंगे. लाइकवाइज अरेस्टेड ने क्या करा था, ही मेड अ सर्किट. ओके, और उस सर्किट को जैसे ऑन करा तो वहां पे करंट, उस सर्किट पे करंट फ्लो करना शुरू. एक्जेक्टली उस सर्किट के सामने एक मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ था और उसमें डिफ्लेक्शन आना शुरू हुआ. उन्होंने देखा कि जब भी करंट नॉर्थ से साउथ के तरफ, जब भी करंट मतलब जब फ्लो कर रहा था इलेक्ट्रॉन्स का, फ्लो हो रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो उन्होंने देखा कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट, जो मैग्नेटिक कंपास का डिफ्लेक्शन है वो ईस्ट के तरफ, और आफ्टर रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव के पोलारिटी को उन्होंने चेंज करके देखा कि जब कभी भी करंट साउथ टू नॉर्थ जा रहा था तो डिफ्लेक्शन हमेशा मैग्नेटिक इफेक्ट का, सॉरी मैग्नेटिक कंपास का हमेशा वेस्ट के तरफ जा रहा था. तो उसे हम लोगों ने एक रूल के तहत भी पढ़ा था जिसे हम लोग स्नो रूल कहते हैं. दैट इज कॉल्ड व्हाट? स्नो रूल मींस व्हेनेवर द करंट फ्लोस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन व्हेन द डिफ्लेक्शन इज ओवर वेस्ट. ये वो एक्सपेरिमेंट था जो उन्होंने एक्सीडेंटली करा था, इसलिए उसका नाम, उनका नाम अमर हो गया इस कांडे. ठीक है, आगे चल के एम्पियर ने भी एक्सपेरिमेंट करा था जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. व्हाट वी स्टडीड मोर इन द प्रीवियस वीडियो वाज द प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. लेट मी टेल यू दैट व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड वो था और वो है द स्पेस और द रीजन वेयर द मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट. ये वो स्पेस या वो रीजन जहाँ पे मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस को फेल्ट कर सकता है. मान लेते हैं जैसे आपकी बहन चमेली का तेल लगा, ठीक है, आप उनको नहीं भी देखेंगे तो आपको पता चल जाता है कि यहाँ आसपास में कहीं पे मेरी बहन है, क्योंकि उसके तेल से आपको वो पता है कि वो इफेक्ट बनाती है. जैसे मान लेते उसने तेल यहाँ लगाया तो उसका इफेक्ट इस रूम में है, ठीक है, तो वो एक इफेक्ट उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड का भी होता है. अगर मैग्नेट वहाँ पर रहता है तो उसका इफेक्ट वहाँ तक रहता है. दैट इज व्हाट मैग्नेटिक फील्ड. हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में भी पढ़ा कि हाउ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज बीइंग फॉर्म. ठीक है, तो वी हैव डिस्कस्ड मैनी थिंग्स, इजंट इट. हम लोग सब कुछ बारीकी से बात करेंगे बिकॉज हम लोगों ने ये भी बात करा था दैट व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और उन सबको हम लोगों ने लास्ट प्रीवियस वीडियो में लिखा था. लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में उन सब को हम एक्सप्लेन करें दैट हाउ इट इज हैपनिंग, क्या कैसे हो रहा है. लाइकवाइज वो अगर रिपेल कर रहा है तो रिपेल क्यों कर रहा है, ट्रैक कर रहा है तो ट्रैक क्यों कर रहा है, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको हम डिस्कस करना चाहते हैं. फर्स्ट जो हम लोगों ने मैग्नेट के बारे में पढ़ा, तो मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका प्रॉपर्टी होता है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी और अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी. वो अट्रैक्ट करने का प्रॉपर्टी होता है उसका और डायरेक्शन बताने का प्रॉपर्टी. इसलिए इट इज बीइंग सेड दैट मैग्नेट हैज डायरेक्टिव प्रॉपर्टी एंड अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी. उसके पास दोनों प्रॉपर्टी होती है, अट्रैक्ट करने का और डायरेक्शन शो करने का. ठीक है, नाउ थर्ड दैट अर्थ बिहेव्स एज अ मैग्नेट. एक अर्थ पूरा का पूरा एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है. व्हेन यू विल ड्रॉ अर्थ लाइक दिस, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है. These are the magnetic field lines which is emerging out from the north pole and getting inside from the south pole. हमेशा magnetic field north pole से निकलेगा, south pole में
एंटर करता है। सो हमारा अर्थ एक बहुत बड़ा बिग मार्केट है जिसके बारे में हम लोग स्टैंडर्ड वर्क में बहुत डीपली पढ़ने वाले हैं, हमारे जरूर जाएंगे। ठीक है, कुछ कुछ बातें जब टॉपिक उठेगी तो हम इसके बारे में आपको बताते हैं। Now, suspended magnet always aligns in the north-south direction. ये कहता है कि अगर आप किसी भी मैग्नेट को किसी भी रूम में अर्थ पे अगर आप उसको सस्पेंड कर देते हैं फ्रीली तो वो घूमते घूमते एक ही जगह अलाइन करेगा, ऑलवेज डायरेक्टिंग टुवर्ड द नॉर्थ एंड साउथ। ये हमेशा इसका प्रॉपर्टी होता है, अगर आप इसे अलाइन ऐसे करोगे तो ये ऐसा अलाइन हो जाएगा, जिधर नॉर्थ और साउथ रहेगा उसी डायरेक्शन में ये क्या करता है अलाइन होता है। तो ये इसकी ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, now the north pole of a magnet always repel north pole and north pole and south pole can't be separated means ek bar magnet hai agar aap usko tod doge to ye north ban jayega aur ye south ban jayega, ye north ban jayega ye south ban jayega, matlab ek dusre ka usko alag nahi kar sakte। These are the different types of magnet, pehla ye horseshoe magnet hai, dusra ye bar magnet, teesra ring aur button magnet। बटन मैग्नेट में कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है कि उसका नॉर्थ पोल किधर है साउथ पोल किधर है, याद रहे उसके बाहर वाले पोर्शन में आउटर सरफेस पे साउथ पोल होगा, इनर पोर्शन में क्या होगा नॉर्थ पोल होगा। ये वो बातें हैं जो आपको जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डिफरेंट प्रॉपर्टीज दैट वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो। ठीक है, उन सबको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बारी बारी, बहुत ज़्यादा डिटेल में उन लोगों को पढ़ने के हम लोग, ताकि हम लोग को हमेशा याद हो जाए, ताकि वो कभी भी हमको दोबारा बुक खोल कर देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, सबसे पहला है, आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज क्लोज कंटिन्यूअस कर्व्स, कंटिन्यूअस कर्व्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है कि हमेशा क्लोज कंटिन्यूअस कर्व या फिर आप लूप भी बोल सकते हैं, और लूप। व्हाई इट इज बीइंग सेड, सपोज टेक एन एग्जांपल ऑफ अ मैग्नेट, ये एक अगर मैग्नेट है, इट्स अ बार मैग्नेट एक्चुअली, तो दिस विल बी द नॉर्थ पोल एंड दिस विल बी द साउथ पोल। ठीक है, नाउ टू अंडरस्टैंड कि इसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बनता है, तो उसके लिए आप यहाँ पे एक मैग्नेटिक कंपास रखेंगे, आपने देखा होगा मैग्नेटिक कंपास, तो उसको अगर देखेंगे तो इसका अलाइनमेंट जो होगा, मान लेते हैं अगर ये बड़ा सा अगर हम एक कंपास रखते तो इसका अलाइनमेंट इस डायरेक्शन में होगा, मीन्स इस डायरेक्शन। तो यहाँ पे आप पेंसिल से यहाँ पे ऐसा लिख लेंगे कि यहाँ पे शो करा, अब इस कंपास को उठा के यहाँ पे रख देंगे तो इसका अलाइनमेंट इस डायरेक्शन में होगा, वहां पे भी आप पेंसिल से मार्क कर लेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे रखेंगे तो इसका अलाइनमेंट इधर शो करेगा इस डायरेक्शन, फिर इसे उठा के यहाँ रखेंगे तो ये यहाँ, फिर ये यहाँ, फिर ये यहाँ, फिर ये यहाँ, 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 ऐसा शो करेगा। यू कैन सी that it is forming like this, और ये बात बहुत बेहतर तरीके से आपको समझना है यहां पे कि अगर ये इस तरीके से होगा तो ये कैसा बना रहा है, क्लोज कंटिन्यूअस कर्व्स बना रहा है। We came to know that the magnetic field lines are imaginary. आप उसको देख नहीं सकते। You have to imagine it. लेकिन ये होता है कैसे पता चला? Magnetic compass needle से पता चला कि it is actually over there. वो वहाँ पे मौजूद है। वहाँ से आपको पता चला that yes, these are closed continuous curves from where north pole के through magnetic field lines बाहर निकलते हैं। It is emerging out from the north pole and it is entering through the south pole. और ये south pole से क्या करता है? Enter करता है. Emerging out from the north pole and getting inside through the south pole. इस बात को आप बहुत बेहतर तरीके से दिमाग में डाल। ठीक है. Now the second point that the outside magnet they travel from north to south pole and inside magnet they travel from south to north.
यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि अगर आप मैग्नेट के बाहर अगर आप देखेंगे तो इट इज कमिंग आउट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंटरिंग इन टू द साउथ पोल. अगर आप अंदर देखेंगे मैग्नेट का तो इट इज कमिंग फ्रॉम साउथ पोल एंड गेटिंग आउट फ्रॉम नॉर्थ पोल. तो जस्ट उल्टा है, isn't it? Outside the magnet, they travel from north to south, and inside the magnet, they travel from south to north. इस बात को भी लिख लेंगे. Outside the magnet, magnetic field lines are emerging out from north to south, and inside the magnet it travels from it travels from south to north. ठीक है, समझने वाली बात है. One more thing that you can see over here. These are the close continuous curves. अगर इसको हम यहाँ पे थोड़ा अच्छे से draw करें, you can see कि ये इस तरीके से बन रहा है. Is it? अगर हर पॉइंट पे अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें लाइक दिस, टेंजेंट समझते विच द पॉइंट विच टचेस द सर्कल, तो हम ये बोलेंगे द टेंजेंट एट द पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन बताएगा? द टेंजेंट ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. ओके, the tangent at any point on the line gives the direction of the magnetic field. Two magnetic field lines will never intersect each other. If they will do so at any point, it will have two directions. Which is not possible. Okay. Now you can see that here and here the magnetic field intensity is very less as compared near the poles. Near the poles, poles के सामने अगर आप देखेंगे कि intensity या फिर डेंसिटी घनत्व
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ज्यादा है भाई। यहाँ पे अगर आप एरिया बना दें इस तरीके से तो आपको देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइन है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइन है, लेकिन अगर यहाँ पे आप ड्रॉ करेंगे कितने है? 3। तो डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा है? नियर द पोल्स। तो आप ये भी पार्ट इसको लिख सकते हैं, द डेंसिटी एट नियर द पोल्स इज स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू द फार फ्रॉम द मैग्नेट। मैग्नेट से जितना दूर जाएंगे आप मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी उतना कमजोर होते जाएंगे, और जितना क्लोज जाएंगे उसका उसका मैग्नेटिक इफेक्ट इंक्रीज करते जाएगा। मतलब अगर मैग्नेट को यहाँ पर मैग्नेटिक मटेरियल को आयरन को जो कि इसको अट्रैक्ट करता है रिपेल करता है जो भी अगर उसको लेकर आएंगे तो वो उसको क्या करेंगे ज्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है यहाँ एज कम्पेयर टू हियर। अंडरस्टूड? तो ये पॉइंट है, आप इसे लिख सकते हैं। लेट मी ड्रॉ ऑल रफ ऑल दीज, अभी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको भी डिस्कस करना। Density of magnetic field gives the intensity of the magnetic field. Now, magnetic field lines always act as a stretch string. एक जो magnetic field line जो भी बनता है वो एक stretch string के तरह work करने वाला है जो कि हमेशा अपने length को decrease करने की कोशिश करता है। Let me show you how. जैसे आप लोगों ने short में लिखा है that like poles attract. उल्टा हो गया, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट एंड लाइक पोल्स रिपेल इच अदर। इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज देयर इज अ मैग्नेट शोइंग इट्स नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। It has a property that its magnetic field lines will come out from the north pole outside the magnet and get inside through the south pole, and inside it will travel from north south to north. ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है? तो north pole के magnetic field का काम क्या है? कि south pole में enter करे। south pole का क्या काम है? north pole पे enter करे। यही उसका work है, daily का उसका वही काम होगा। अगर इसके सामने एक और नॉर्थ और साउथ वाला इसी तरीके से सामने नॉर्थ और साउथ वाला एक और बार मैग्नेट अगर इसके पास आएगा जिसके पास भी यही प्रॉपर्टी है, ऑब्वियसली उसके पास भी क्या प्रॉपर्टी होगी? जो सेम प्रॉपर्टी उसके पास है तो इसमें भी वही प्रॉपर्टी होगी, दैट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल एमर्जेस आउट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड गेट इनसाइड थ्रू द साउथ पोल। यही उसके काम रहेगा। लेकिन अगर इस बात को अगर आप ध्यान से देखेंगे कि इसके पास जो नॉर्थ है इसके पास जो साउथ है क्या ये इससे अलग है? क्या नहीं, सेम है भाई, दोनों बार मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इसी चीज। तो इसका काम क्या है? नॉर्थ पोल का काम क्या है? नॉर्थ पोल का काम क्या है? साउथ में जाने का। तो ये यहां जाना बेहतर समझेगा कि यहां वाला में जाना बेहतर समझेगा?
भाई उसको अपने से क्या मतलब, उसको साउथ से मतलब है, तो उसको जो नजदीक वाला साउथ दिखेगा वो तो उधर ही जाएगा, तो इट विल गो हियर। तो ये जाने की क्रम में ये जो इसका लेंथ है ये इसको क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। सो जो मैंने बोला कि वो एक स्ट्रेस स्ट्रेन की तरह काम करता है एंड इट ऑलवेज वांट टू डिक्रीज द लेंथ, आपको समझ में आ रहा है, क्लियर है? सो उस बात को आप लिखेंगे दैट फील्ड लाइंस आर एक्ट लाइक आर लाइक स्ट्रेंथ स्ट्रिंग विच ऑलवेज वॉन्ट्स टू डिक्रीज इट्स लेंथ। अब समझ में आ रहा है इसका कहानी क्या हो रहा है? Instead of this, I'm having another bar that is of North Pole and South Pole showing that property only. Which property? That emerging out from the North Pole and entering to the South Pole. इसके सामने अगर आप एक ऐसा बार मैग्नेट ला के रख देंगे जो कि अच्छा इधर हम साउथ करते हैं इधर नॉर्थ कर देते कोई दिक्कत तो नहीं होगी, और यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे साउथ, ठीक है? तो देखिए इन दोनों का जो सेम पोल हो रहा है, सेम पोल होने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये अपना प्रॉपर्टी थोड़ी भूलेगा, जो इसकी प्रॉपर्टी है वो तो वही रखेगा, ठीक है? इसी तरीके से ये अपने फील्ड को स्प्रेड करते रहेगा, तो ये भी थोड़ी पीछे हटेगा, ये भी स्प्रेड करते रहेगा, इट विल ऑल्सो स्प्रेड इट। स्प्रेड करते करते क्या होगा कि ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के सामने आ जाए, सामने आने के बाद एक दूसरे को क्या करेगा, क्रॉस करेगा। क्रॉस कर सकता है क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? अभी तो आप लोगों ने लिखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, if they will do so it will have to go same which is not possible। ye to baat clear ho gaya ki ye dono ek dusre ko cross nahi kar sakte, intersect nahi kar sakte, to kya karega ye, kya karega ye magnetic field line jo idhar aayega wo idhar jane ki koshish karega, iska wala idhar jane ki koshish karega, ye wala idhar jane ki koshish karega, ye wala idhar jane ki koshish karega, understood? और इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा, इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा, आप दोनों हाथों का ऐसा करें एंड चेक इट, मान लेते हैं कि ये हमारा नॉर्थ पोल है या साउथ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल दिस इज साउथ, ठीक है? तो नॉर्थ पोल का क्या प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बाहर निकालता है, अब जब दोनों सामने लाएगा एक दूसरे को क्रॉस नहीं करने का जगह एक दूसरे को, इसी तरीके से अगर फोर्स लगाएगा तो दोनों को पीछे की ओर क्या लगेगा, झटका लगेगा। Understood? So the same thing will happen over here. यहाँ पे भी same होगा कि ये इसको इधर रिपल करेगा, ये इसको इधर रिपल करेगा, ये इसको इधर रिपल करेगा। Understood? तो इसीलिए क्या करता है कि north pole को क्या करता है, रिपल करता है, और south pole को क्या करेगा, रिपल करेगा। Understood? तो इस point को भी लिख लेते हैं that two lines repel each other transversely. Two lines with same polarity repel each other transversely clear? Now I guess you have understood few of the points over here. सो इन पॉइंट्स को आप मेंशन करें, मैंने आपको हर पॉइंट्स को बेहतर तरीके से समझाया है ताकि इन सबको याद करने का आपको जरूरत ना पड़े। सो दैट्स इट फॉर टुडे, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।